हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम 2018-19 की जो मैपिंग है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं एशिया कॉन्टिनेंट से, मतलब एशिया महाद्वीप है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एशिया देखो महाद्वीप आपको पता है काफ़ी बड़ा है और वैसे भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम आज अच्छे डिस्कस करेंगे। फिर बाकी कल परसों के जो डिस्कशन होगी उसमें हम बाकी जो कॉन्टिनेंट हैं, जैसे अफ्रीका हुआ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एशिया की तरफ, जो करंट अफेयर है उसको भी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। क्योंकि देखो आपने YouTube वगैरह पे देखे होगा काफ़ी सारा कंटेंट है, बट अभी जो करंट अपडेट है वो आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, तो इसीलिए हम इसकी स्टार्टिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। यह है देखो एशिया का पॉलिटिकल मैप। आप देख बार मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री की लोकेशन कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे रसिया है, यहाँ पे कजाकिस्तान हो गया, मंगोलिया, ये चाइना हो गया, यहाँ पे इंडिया की लोकेशन है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, यहाँ पे जो हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज होगी या गल्फ कंट्रीज होगी, ये यहाँ पे हम बात करें साउथ ईस्ट कंट्रीज होगी, और इसी के साथ यहाँ पे जापान की लोकेशन हो गई है, ये वाली पूरी जापान है यहाँ पे, और ये यहाँ पे नॉर्थ जो कोरिया और साउथ कोरिया की लोकेशन है, यहाँ पे चाइना है, ये पूरा एरिया, ये ताइवान। तो मोटी मोटी लोकेशन हमने एक बार देखी। अब हम देखो एशिया को मेनली अलग अलग पार्टों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि नॉर्थ एशिया वाला हिस्सा है, देखो यूपीएससी वैसे ये तो नहीं पूछेगी कि भाई नॉर्थ एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, साउथ एशिया में, साउथ एशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें इंडिया आता है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नॉर्दर्न एशिया ऊपर वाला हिस्सा है, ईस्टर्न एशिया के अंदर अगर मंगोलिया और चाइना मेनली वो दो कंट्रीज हैं, इसके साथ जापान भी है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वगैरह। सेंट्रल एशिया की कंट्री इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ पे साउथर्न एशिया वाली कंट्रीज होगी, कि यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो गई हैं, और यहाँ पे होगा वेस्ट एशिया। तो मेनली एशिया को अलग अलग भागों में हमने यहाँ पे बांट लिया, 6 भागों में, तो वो हमने एक बार मोटा मोटा इनका डिवाइडेशन है वो देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट एशिया से। क्यों? क्योंकि देखो वेस्ट एशिया पे यूपीएससी हर साल एक आधा क्वेश्चन है वो पूछती रहती है, ज्योग्राफी के जब मैपिंग की बात करो या फिर हम करंट के अकॉर्डिंग। तो ये है वेस्ट एशिया का मैप, एक बार हम थोड़ा, हाँ ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वेस्ट एशिया के अंदर हम बात करें यहाँ पे, तो ये ओमान की लोकेशन है, ये यमन है, और ये यहाँ पे यूएई है, ये कतर है, ये सऊदी अरब है, ये कुवैत है, ये बहरीन, बहरीन एक छोटी सी कंट्री यहाँ पे आइलैंड की फॉर्म में है, यहाँ पे इराक है, यहाँ पे सीरिया है, ये टर्की होगा, यहाँ पे टर्की का देखो ऊपर वाला जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मेनली यूरोप में आता है, और बाकी वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ये आता है सारा एशिया में। यहाँ पे ब्लैक सी है आप देख रहे हो, यहाँ पे गैस्पियन सी है, और यहाँ पे काकेशस माउंटेन की रेंज है। तो ये मोटा मोटा हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे साइप्रस की लोकेशन हो गई है। फिर इस वाले एशिया में देखो ये दिख रहा है आपको ये वाला हिस्सा, ये है इसराइल, और इसराइल के जस्ट ऊपर जो कंट्री है मेडिटेरियन सी के टच करती हुई, यहाँ पे लेबनान, और यहाँ पे फिर ये जॉर्डन आपको दिख ही रहा है, और यहाँ पे डेड सी है जॉर्डन के पास में ही, और ये हमने इसकी लोकेशन एक बार देख ली, क्योंकि देखो हमें लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेडिटेरियन सी आपको ये पता है यहाँ पे है, और ये है यहाँ पे रेड सी। रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में यहाँ पे एक स्वेज कैनाल है, जो कि आपको पता है मिस्र का एक हिस्सा है। इसी के साथ यहाँ पे हम बात करें है पर्सियन गल्फ, जो कि मेनली ईरान के, और हम बात करें यहाँ पे कतर या जो बहरीन, सऊदी अरब की जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में है, और ये यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन हो गई है, और ये ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई हैं। तो हमने एक बार इनकी ज्योग्राफी देखी वेस्ट एशिया की। अब हम कुछ और फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इस वाले एरिया में आपको पता है कि सीरिया में मेनली सिविल वॉर चल रहा था, और इसकी वजह से काफ़ी सुर्खियों में भी रहा है, कई बार सिटी भी हैं वो भी न्यूज़ में रहती हैं, तो यूपीएससी सिटी के बारे में भी पूछ सकती है। तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी कंट्री की लोकेशन है कहाँ कहाँ पे, और कौन सी सिटी कहाँ से बिलोंग है वो करती है। तो एक सेकेंड, अब हम थोड़ा चलते हैं आगे, हाँ फिजिकल मैप की तरफ। ये है वेस्ट एशिया का फिजिकल मैप। देखो ये यहाँ पे काकेशस माउंटेन रेंज हमने डिस्कस की थी, जो कि एशिया और यूरोप को मेनली अलग है वो करती है। ये यहाँ पे ब्लैक सी हो गया, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है, और यहाँ पे कैस्पियन सी है वो भी बाउंड्री है वो बनाता है। अब जो काकेशस माउंटेन है ना, इसके जस्ट नीचे जो ये वहाँ पे अर्मेनिया वाली जो कंट्रीज है ना, यहाँ पे एक अर्मेनिया नोट का मतलब गांठ एक तरीके से हम बोल सकते हैं। जिस तरीके से देखो आपको पता है कि इंडिया के ऊपर जो पामीर नोट है, वहाँ से पामीर में काफ़ी सारे रेंज निकली हैं, हिंदू कुश, हुआ हिमालय, अलग अलग रेंज निकलती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो अर्मेनिया नोट है, यहाँ से अलग अलग रेंजेज हैं वो निकलती हैं, इस तरीके से माउंटेन जाते हैं, इस तरीके से अलग अलग माउंटेन रेंज यहाँ पे निकली हुई हैं। तो उसी माउंटेन रेंज में एक है यहाँ पे टोरस माउंटेन रेंज, तो आपको ध्यान रखना है टोरस माउंटेन रेंज है वो यहाँ पे है। कौन सी लोकेशन आपको मोटा पता होना चाहिए कि है कहाँ पे, एग्जैक्टली कंट्री रटने की जरूरत नहीं है हमें कि भाई कौन सी कंट्री के अंदर है, कहाँ कहाँ पे है, कितना एरिया वगैरह है। फिर यहाँ पे आगा एंटोलियन प्लेटू, या इसे हाईलैंड के नाम से भी जानते हैं कि एंटालियन हाईलैंड के नाम से, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है भाई है कहाँ पे, तो ये मैली है टर्की में।
टोरस माउंटेन हमने यहाँ पे देख लिया, और इसके बाद में हम बात करें नीचे सीरिया के अंदर, सीरिया डेजर्ट है, सीरियन डेजर्ट भी यूपीएससी पूछ सकती है इसके बारे में। यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज हमने डिस्कस कर ली थी, और इसी के साथ ही हम बात करें यहाँ पे, ये हो गया अरबियन पेनिनसुला, यानी अरबियन जो पेनिनसुला, ये देखो पेनिनसुला रेंज हो गई यहाँ पे पूरी, आप इसको देख सकते हो। तो अरेबियन पेनिनसुला के अंदर कौन कौन सी कंट्री है यूपीएससी इसके बारे में भी पूछ सकती है, तो हमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सऊदी अरब का डेजर्ट है जिसका नाम है अल रब अल खली डेजर्ट, तो ये आपको यूपीएससी पूछ सकती है, या रब अल खली डेजर्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रब अल खली डेजर्ट है वो कहाँ पे है, ये मेनली अरेबियन पेनिनसुला के अंतर्गत है। तो इसका कुछ हिस्सा ओमान में आता है, कुछ हिस्सा यमन में भी है, और सऊदी अरबिया में भी मेनली फैला हुआ है इस वाले हिस्से में है। टोरस माउंटेन रेंज हमने देख ली यहाँ पे कि भाई जो टर्की वाला हिस्सा है इसमें फैली हुई है। इसके साथ ही देखो जो अरमेनिया नॉर्थ से इस साइड की जो रेंज निकलती है ईस्टर्न साइड, वो होती है इलब्रूज माउंटेन। इलब्रूज है वो ईरान का माउंटेन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इलब्रूज माउंटेन कहाँ का है, ईरान की रेंज है। इसके साथ ही एक रेंज और निकलती है इस टाइप में, वो है जेग्रोस माउंटेन। अब देखो यूपीएससी यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ भी रेंज करवा सकती है, तो हमें पता होना चाहिए कि इलब्रूज पहले नॉर्थ में है और जो जेग्रोस माउंटेन रेंज है वो साउथ में है, और टोरस माउंटेन रेंज है वो भी नॉर्थ में है। तो इस तरीके से यूपीएससी नॉर्थ टू ईस्ट भी रेंज करवा सकती है। अगर नॉर्थ टू ईस्ट रेंज करवाए तो मेनली जागरूस है वो ईस्ट में हो जाएगा, टोरस माउंटेन है वो वेस्ट में हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करें ईरान के बारे में, तो देखो ईरान के अंदर एक तो ईरानियन प्लेटू है, तो ये तो यूपीएससी नहीं पूछेगी सीधा सा, बट ईरान के अंदर दो डेजर्ट हैं, एक तो है सॉल्ट डेजर्ट है और एक है लुट डेजर्ट। ये दोनों ही जो साल्ट डेजर्ट और लुट डेजर्ट हैं, ये दोनों ही डेजर्ट या मरुस्थल हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, जो ये साल्ट डेजर्ट है, एक तो आपने यहाँ पे नाम देखा लुट डेजर्ट, लुट डेजर्ट है वैसे इसका नाम है दस्त ए कबीर और दस्त ए लुट, मतलब दो यहाँ पे डेजर्ट हैं, एक का नाम तो है दस्त ए कबीर डेजर्ट और दूसरा है दस्त ए लुट डेजर्ट, दोनों ही सॉल्ट डेजर्ट है। यूपीएससी ये पूछ सकते हैं कि सॉल्ट डेजर्ट कौन से इनमें से है, तो ध्यान रखना है एक तो कौन कौन सा है, एक तो है दस्त ए कबीर और एक है दस्त ए लुट, ये दोनों ही डेजर्ट सॉल्ट डेजर्ट हैं, दोनों ही ईरान में, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक ही दिया गया लुट, यहाँ पे एक नहीं दिया गया, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे हो गए पर्शियन गल्फ और ये हो गई गल्फ ऑफ ओमान, इसकी लोकेशन भी ध्यान रखनी है। यहाँ पे हो गया रेड सी और यहाँ पे हो गया गल्फ ऑफ एडन, तो देखो ऐसी ऐसी लोकेशन है ना वो हमें ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। अब हम और देखते हैं यहाँ पे रिवर, देखो दो रिवर हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी हैं, एक तो यहाँ पे यूट्रिस रिवर है, ये रही आपको दिख रही होगी ऐसे, एक सेकंड रुको एक मैप और आ गई, हाँ इसमें देखते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिवर होती हैं, एक तो ये रही यूट्रिस रिवर है और एक यहाँ पे टिग्रिस रिवर, इनको हिंदी में इसको तो बोलते हैं फरात रिवर और इसको बोलते हैं दजला रिवर, क्योंकि तो मेसोपोटामिया सभ्यता की इंपॉर्टेंट नदियाँ थी वही नदियाँ हैं यहाँ पे। अब फैक्ट यहाँ पे कि ध्यान रखना है कि जो फरात रिवर या फिर जो हम बात करें यहाँ पे यूट्रिस रिवर है, ये रिवर एक्चुअली सबसे लंबी रिवर है इराकी, और ये काफ़ी दूर एरिया में बहती है, और गिरती कहाँ पे, ये यहाँ पे गिरती है इस खाड़ी में। कौन सी ये खाड़ी है अभी सोचिए आप, देखो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा ये है पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ है, तो ये यहाँ पे जाके गिरती है, दोनों नदियाँ मिलने के बाद यहाँ पे गिरती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कि जो दजला रिवर है या फिर हम बात करें टिग्रिस रिवर है, इसी के किनारे पे इराक की जो कैपिटल है बगदाद वो बनी हुई है। तो ऐसे फैक्ट यूपीएससी कई बार पूछ लेती है, कौन से नदी के किनारे पे है, दजला या टिग्रिस रिवर के किनारे पे इराक की कैपिटल है बगदाद, ये फैक्ट ध्यान में रखना। बाकी डैम वगैरह तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आपको सिटी ध्यान में रखनी है मोसुल, देखो मोसुल सिटी खैर वैसे पिछले साल न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ पे आईएसआईएस ने अपना एरिया, या आप बोल सकते हो कि एरिया को कैप्चर कर रखा था, तो बाद में इसको वापस छुटवा लिया गया। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि मोसुल सिटी कहाँ से है, सीरिया से है, ईरान वगैरह से, तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। बाकी देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखना कि कितनी किलोमीटर लंबी है, कहाँ कहाँ से होके फ्लो करती है, एक बार ये ध्यान होना चाहिए कि हाँ भाई है कौन से एरिया में। अब और हम यहाँ पे इफेक्ट तक देखने की अगर बात करें तो हमने एल्ब्रूस माउंटेन देख लिया, केस्पियन सी के बाद में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लोकेशन थी अरेबियन पेनिनसुला के बारे में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे दो चार छोटे छोटे इफेक्ट और होंगे, उनको हम कवर करते हैं। एक तो यहाँ पे हमने देख लिया, हाँ इसराइल में एक डेजर्ट है इसका नाम है नागेव डेजर्ट, ये देखो एक सेकेंड ये आपको इसराइल दिख रहा होगा, यहाँ पे एक डेजर्ट है जिसका नाम है नागेव, नागेव डेजर्ट कहाँ पे है, इसराइल में। देखो इसराइल हमेशा सुर्खियों में रहता है, तो इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। इसी के बाद में और अगर हम यहाँ पे देखें, मोसुल हमने देख ही लिया कि ईरान के अंदर है, तो सॉरी इराक के अंदर है, तो हमने जो मोटी मोटी लोकेशंस थी उनको कवर कर लिया है यहाँ पे। देखो अगर कुछ रह भी गया होगा तो हम उसको रिवीजन की वीडियो में, एक छोटा सा वीडियो और रहेगा लास्ट में जिसमें जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई उसको हम वापस कवर है वो कर लेंगे। अब हम देखते हैं साउथ एशिया की तरफ चलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती है। ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया का पॉलिटिकल मैप, तो यहाँ पे देखो ये म्यांमार हो गया है, ये यहाँ पे थाईलैंड हो गया, ये लाओस है, ये वियतनाम है, और ये यहाँ पे मलेशिया हो गया, यहाँ पे सिंगापुर है, ये यहाँ पे पूरा इंडोनेशिया है, यहाँ पे ब्रूनेई है एक छोटी सी कंट्री, यहाँ पे फिलीपींस हो गया है,
तो ये हमने साउथ ईस्ट एशिया का मैप एक बार देख लिया। देखो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज की लोकेशन हमें पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इनका आसियान ग्रुप है और आसियान के साथ आपको पता है इंडिया के काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसलिए है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने इसको यहाँ पे एक बार देखा है। ये ध्यान रखना है लाओस है, देखो ये आपको दिख रहा होगा ये वाली कंट्री, ये पूरी लैंडलॉक्ड है। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है कि लाओस के बारे में, तो भाई लाओस है वो साउथ ईस्ट एशिया की एक लैंडलॉक कंट्री है, कहीं भी आपको देख सकते हो कि यहाँ पे सी वगैरह को टच है वो नहीं कर रही है। अब हमने इस मैपिंग तो इसमें देख लिया, अब हम देखते हैं लोकेशन और भी। इससे पहले हम देखो एक श्रीलंका की एक इम्पोर्टेंट भी करंट अफेयर वो हम कवर कर लेते हैं। देखो श्रीलंका में यहाँ पे कि हम्बनतोता जगह है साउथ में, श्रीलंका के साउथ में, ये जो यहाँ पे पोर्ट वगैरह है ना ये चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम्बनतोता जो पोर्ट का काम है वो चाइना के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे कोलंबो है वो इस साइड है, वेस्टर्न साइड, जो कि श्रीलंका की कैपिटल है। और हम बात करें यहाँ पे त्रिनोकोमली, ये यहाँ पे एक जगह है या एक पोर्ट है ये भी यहाँ पे, जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको, हम्बनतोता पोर्ट है वो चाइना कर रहा है जो कि साउथ में है। और यहाँ पे दूसरा बात करें त्रिनोकोमली जो पोर्ट है या जो यहाँ पे एयरपोर्ट का काम होगा वो इंडिया के द्वारा इसको डेवलप है वो किया जाएगा। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने, लोकेशन यूपीएससी पूछ सकती है नॉर्थ और साउथ वगैरह के बारे में भी। अब हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात करें तो देखो एक सेकेंड, हाँ ये साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पे आपको बताया अंडमान सी है, और इस साइड है वो गल्फ ऑफ थाईलैंड है, मतलब थाईलैंड की खाड़ी है वो यहाँ पे, क्योंकि थाईलैंड के दो तीनों एरिया का यहाँ पे बॉर्डर टच वो कर रहा है। एक तो देखो यहाँ पे कराइस थॉमस है, कराइस थॉमस कहाँ कहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, कराइस थॉमस है वो गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी को कनेक्ट करने के, तो ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कराइस थॉमस की लोकेशन यूपीएससी पूछ सकती है। एक यहाँ पे अगर हम और फैक्ट की बात करें तो ये थाईलैंड की जो हाई थाई हिल है यहाँ पे थाईलैंड का, तो इसका नाम है थाई हाईलैंड्स। तो ये तो आपको कड़वे से याद रह जाएगा, नाम से ही पता यहाँ पे चल रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे और हम बात करते हैं, यहाँ पे डोन रेंज है माउंटेन की एक छोटी सी, ये आप एक बार ध्यान में रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार न्यूज़ में मतलब पड़ी हुई हो तो फिर थोड़ा एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी आ जाए तो हम आराम से इसको अटेम्प्ट है वो कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको एक रिवर दिख रही होगी, देखो ये रही नीली नीली ये रही बाउंड्री, आपको ये देखो बाउंड्री बना रही है, मेकोंग रिवर है इसका नाम। ये मेकोंग रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की इंपॉर्टेंट रिवर है जो यहाँ पे आके गल्फ ऑफ थाईलैंड में आके गिरती है। देखो यहाँ पे डेल्टा बना रही है, आपको दिख रहा होगा इस वाले एरिया में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये डेल्टा कहाँ पे बनाती है, ये आपको ध्यान है। मेकोंग रिवर है यहाँ पे, बैंकॉक है आपको दिख रहा होगा। और इसी के साथ ही हम बात करें यहाँ पे तो एक है खैरात प्लेटू, ये थाईलैंड में, खैरात प्लेटू के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। इसको बेसिकली दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि यहाँ पे सियाम प्लेटू भी है, सियाम और थैराट प्लेटू दोनों सेम ही है। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि सियाम प्लेटू कहाँ पे है, सियाम इंडिया में नहीं भाई थाईलैंड के अंतर्गत है। एक यहाँ पे हो गया है, देखो हमारा ये म्यांमार वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये पतला सा जो हिस्सा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है म्यांमार का, और म्यांमार के अंतर्गत एक प्लेटू है जिसका नाम है साहा प्लेटू। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साहा प्लेटू या जो साहा पठार है वो कहाँ पे है, म्यांमार के अंतर्गत है। और इसी के साथ ही एक है यहाँ पे टेनिसियन माउंटेन रेंज, टेनिसियन जो माउंटेन रेंज है ना वो म्यांमार कहाँ होगा, ये तो होगा म्यांमार, ये होगा थाईलैंड, इन दोनों के बीच में बॉर्डर है वो बनाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाता है। इस थॉमस ऑफ करा के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया कहाँ पे है, यहाँ पे मलक्का स्टेट आती है नीचे, मलेशिया के नीचे सिंगापुर वाले में, वो हम करा के डिस्कस करने वाले हैं। मेकोंग रिवर को हमने डिस्कस कर लिया, एक रिवर और आती है इरावदी रिवर, तो उसको हम आगे देखेंगे मैप में, एक सेकेंड रुको। हाँ ये रहा, इसमें देख लेते हैं दिख जाएंगे, एक सेकंड कहाँ गया हमारा, ये तो हो गया देखो इंडिया का मैप इधर, ये हो गया यहाँ पे आप देख सकते हो कि बांग्लादेश का मैप, और ये होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये यहाँ पे होगा म्यांमार। तो म्यांमार में जो ये वाला आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रेस दिख रहा है इस टाइप का, ये गल्फ ऑफ मर्दमान है, और यहाँ पे इरावदी रिवर आके गिरते हैं, यहाँ पे इरावदी डोल्फिन है वो पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, गल्फ ऑफ मर्दमान कहाँ पे है, इरावदी रिवर कहाँ पे गिरती है, म्यांमार की इंपॉर्टेंट रिवर है। हिमालय माउंटेन के बारे में देखो हमने काफ़ी बार वैसे भी डिस्कस किया है, तिब्बतन प्लेटू तिब्बत में है। इसी के साथ ही कुनलुन रेंज है वो भी आपको पता है चाइना और तिब्बत के अंतर्गत ही है। और यहाँ पे एक है एटली माउंटेन, उसको हम खड़ा आगे देखेंगे, एटली माउंटेन रेंज है, यहाँ से रिवर भी निकलती है इंपॉर्टेंट रसिया की रिवर। ये गोबी डेजर्ट है जो कि आप देख सकते हो ये मंगोलिया वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये चाइना है, तो गोबी डेजर्ट है वो मंगोलिया चाइना में फैला हुआ है। एटली माउंटेन कहाँ पे है, मेनली मंगोलिया में है, यहाँ पे रिवर निकलती है जो कि ऊपर जाके आर्कटिक ओशन की तरफ जाके गिरती है। ये यहाँ पे हम फिर बात करें, एक येलो रिवर गिरती है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये एक येलो रिवर है जो येलो सी में जाके गिरती है यहाँ पे। ये है हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ऊपर वाला हिस्सा वो नॉर्थ कोरिया है, नीचे वाला है साउथ कोरिया, यहाँ पे जापान है, और ये यहाँ पे फिर साउथ चाइना सी है जहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है स्पार्टली वगैरह, जिनको लेके इशू बार बार हमने काफ़ी बार न्यूज़ में डिस्कस किया। ये फिलीपींस है, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह हैं कंट्री के रूप में। तो ये हमने एक बार इनकी लोकेशन देखी। अब हम और फैक्ट देखते हैं, एक सेकेंड और एक मिनट, एक मिनट,
अब हम चलते हैं इंडियन ओशन की तरफ, क्योंकि इंडियन ओशन में कुछ आइलैंड हैं, तो यूपीएससी उनमें कई बार लोकेशन पूछ लेती है। तो देखो, ये हो गया हमारा इंडियन ओशन, ये यहाँ पे हो गया अरब सागर, ये हो गया बे ऑफ बंगाल वाला एरिया। अब हम देखते हैं, हाँ ये रे मोटे मोटे जो आइलैंड है वो, देखो यहाँ पे तो है अंडमान निकोबार, ये हो गया यहाँ पे मालदीव, और यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड, ये यहाँ पे सेचल्स है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, यहाँ पे एजम्पशन आइलैंड है, यहाँ पे आगरा जो आइलैंड है वो है, यहाँ पे मॉरीशस है, यहाँ पे मेडागास्कर है जो कि सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड है, यहाँ पे डेगो गार्सिया है। और ये हमने मोटी मोटी के बारे में इनकी लोकेशन यहाँ पे देखी। अब ये न्यूज़ में भी क्यों थे वो भी हम कवर करते हैं। यहाँ पे यूपीएससी कई तरह से क्वेश्चन पहले भी पूछ चुकी है, इनकी सिक्वेंस पूछ लेती है, कौन कौन से पे किसका अधिकार है वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी बार बन जाते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ इस मैप में आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे लक्षद्वीप से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया लक्षद्वीप वाला एरिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि इंडिया के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पे होगा मालदीप, मालदीप की कैपिटल है माले जो कि यहाँ पे है। फिर यहाँ पे मालदीप का ये एक आइलैंड आता है जिसका नाम है यहाँ पे डेगो गार्सिया, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि ये जो डेगो गार्सिया है इस पे यूके ने कब्जा कर रखा था। तो अभी आईसीजे यानी कि जो आईसीजे हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूएन की एक कोर्ट है ना, उसने भी डिसीजन दिया यूके को कि भाई साहब आप इसको खाली कर दो क्योंकि ये मालदीप की प्रॉपर्टी है ना कि आपकी, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा था। इसके साथ ही हम बात करें यहाँ पे और जो ये सेचल्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक आइलैंड है जो आप देख रहे होंगे ग्लोसो आइलैंड जो कि फ्रांस के अंदर कैप्चर हुआ, फ्रांस के अंदर है इसका हिस्सा। और इसी के साथ ही हम यहाँ पे एक और आइलैंड है, कहाँ गया ये, होगा मॉरीशस आपको दिख रहा होगा, और मॉरीशस के पास में यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड है जो कि फ्रांस की ट्रेटी के अंतर्गत है। तो यूपीएससी की बार ऐसे भी पूछ लेती है कि डेगो गार्सिया यूके के अंतर्गत था और रीयूनियन आइलैंड है वो फ्रांस के अंतर्गत है या फ्रांस की ट्रेटी, आप बोल सकते हो फ्रांस के कब्जे में एक तरीके से। ये यहाँ पे हमने देख लिया, ये मोजाम्बिक चैनल है, ये मेडागास्कर यहाँ पे हो ही गया है। अब देखो जो करंट से क्या न्यूज़ था वो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ करंट से ऐसे दो तीन फैक्ट, एक तो ये थे कि जो ये है ना यहाँ पे एजम्पशन आइलैंड कहाँ गया वो हमारा एजम्पशन आइलैंड, हाँ ये रहा, यहाँ पे बेसिकली इश्यू ये हुआ था कि ये जो पोर्ट इस एरिया में पोर्ट वगैरह काम था वो इंडिया के द्वारा किया जा रहा था, और मॉरीशस के अंतर्गत भी इंडिया ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट है वो किया था। तो ये आपको यूपीएससी पूछ सकती है। और इसी के साथ ही यहाँ पे ओमान के अंदर एक डक्कम पोर्ट है, डक्कम पोर्ट DUKM, डक्कम पोर्ट, ये एक्चुअली ओमान ने इंडिया को दिया था कि भाई आप इसका यूज कर सकते हो, लीज पे नहीं दिया, मतलब ऐसे दिया कि भाई आप भी इसका यूज है वो कर सकते हो मिलिट्री यूज वगैरह के लिए, यानी कि इंडियन ओशन के अंदर इंडिया की आप बोल सकते हो कि तूती बोलेगी, इसीलिए ओमान के द्वारा डक्कम पोर्ट है वो इंडिया को दिया गया, एक्सेस है वो प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये न्यूज़ में भी रहा है, तो यूपीएससी इसके बारे में भी पूछ सकती है। इसी के साथ ही अगर और हम बात करें जो यहाँ पे सेचल्स के अंदर का जो आइलैंड है वो भी इंडिया के द्वारा एक डेवलप किया जा रहा है। इसी के साथ ही यहाँ पे एक मॉरीशस कहाँ गया, ये रहा मॉरीशस के अंदर का एक आइलैंड है जिसका नाम है अगालेगा, अगालेगा आइलैंड, देखो एक सेकेंड रुको पिछले वाले में होगा शायद, हाँ ये रहा अगालेगा आइलैंड जो कि किसके अंदर आता है, मॉरीशस के अंदर, ये भी इंडिया के द्वारा डेवलप है वो किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा आइलैंड किसके अंतर्गत है, ये यूपीएससी पूछ सकती है। फिर यहाँ पे एक दो छोटे छोटे आइलैंड और हैं, एक सेकेंड ये देखो कोको आइलैंड, यहाँ पे जो कोकोज आइलैंड है ना वो ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है, तो यहाँ पे इनकी लोकेशन यहाँ पे है। अंडमान निकोबार हमारा यहाँ पे, ये रहा निकोबार आइलैंड, यहाँ पे अंडमान ऊपर हो गया, निकोबार यहाँ पे हो गया। इसके बाद में गल्फ ऑफ थाईलैंड हमने देख ली थी, ये यहाँ पे इरावदी रिवर आके गिरती है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मरदमान हमने डिस्कस ही किया, ये थॉमस ऑफ करा थी यहाँ पे, ये हमने मलक्का जल डमरू या मलक्का जो स्टेट है उसके बारे में डिस्कस हमने यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे ये यहाँ पे साउथ चाइना सी है, यहाँ पे जो स्पार्टली आइलैंड आपको दिख रहा होगा छोटा सा नाम ये यहाँ पे है। इसी के साथ ही यहाँ पे ताइवान एक देखो छोटी सी कंट्री है, ये रही यहाँ पे बेसिकली इसके ऊपर इशू रहता है कि भाई ताइवान अलग से कंट्री है फिर चाइना वगैरह वगैरह की, तो वो खैर हमारे लिए यहाँ पे बहस का मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के साथ देखो खैर ये अफ्रीका का आता है बट अफ्रीका में डिस्कस करेंगे, अभी देख लेते हैं याद आ गया तो। ये है देखो यहाँ पे जिबूटी की लोकेशन, ये दिख रहा है आपको डी जिबूटी के नाम से, ये जिबूटी इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक साइड तो इसके साथ अदन की खाड़ी है और एक साइड इसके रेड सी है, और यहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं इनका खतरा बहुत रहता है, और इसीलिए यहाँ पे यूएसए का भी नेवल बेस है और यहाँ पे चाइना ने भी अपना नेवल बेस है वो बनाया है। तो ये न्यूज़ में रहता है तो पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सा है। खैर वो अफ्रीका में हम इसको कवर यहाँ पे करेंगे। तो इंडियन ओशन के जो इंपॉर्टेंट्स थे इनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, एजम्पशन आइलैंड यहाँ पे हो गए हैं, यहाँ पे जो क्रिसमस आइलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, खैर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़ में भी नहीं रहते हैं, तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता नहीं है। तो ये जो इंपॉर्टेंट आइलैंड थे हमने इंडियन ओशन के उनको हमने यहाँ पे कवर किया है, यूपीएससी इनके बारे में कई बार पूछ लेती है सिक्वेंस वगैरह। अब हम देखते हैं सेंट्रल एशिया, देखो सेंट्रल एशिया वैसे तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है एनी टाइम ही, क्योंकि उसकी लोकेशन ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाती है।
इम्पोर्टेंट बट अभी सबसे ज्यादा ये है कि कजाकिस्तान की जो कैपिटल है ना, ये अस्ताना, इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, अल सुल्तान। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कजाकिस्तान की जो कैपिटल अस्ताना थी, इसका नाम बदल के अब अल सुल्तान है, वो कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अल सुल्तान ने ही कजाकिस्तान की स्थापना वगैरह की थी। इसको लेके काफी बार न्यूज़ वगैरह में रह जाते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो अरलसी की लोकेशन है। अरलसी है वो कजाकिस्तान और उज़बेकिस्तान के बीच में है। ये यहाँ पे कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर टच करती हैं? काफी इजी सा क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आई होप आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये यहाँ पे हो गया तुर्कमेनिस्तान, ये उज़बेकिस्तान। इनके कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए। उज़बेकिस्तान के कैपिटल क्या है? ताशकंद है। तुर्कमेनिस्तान के कैपिटल क्या है? अस्कबाद है। इसके बाद तजाकिस्तान के कैपिटल क्या है? दुशांबे है। कजाकिस्तान की, सॉरी, हाँ, किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है यहाँ पे? बिश्केक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कजाकिस्तान की अल सुल्तान है, भी अस्ताना की जगह इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और हम बात करें इंडिया की, सॉरी, एशिया की, तो एशिया के अंदर सबसे जो लैंड बड़ी लैंडलॉक कंट्री है ना, वो कजाकिस्तानी है। क्योंकि आपको पता है कि कैस्पियन सी है, वो सी नहीं है, ये एक तरीके की एक बड़ी झील है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पे है? वो है नॉर्थ अमेरिका में, जिसका नाम है लेक सुपीरियर। तो वो है नॉर्थ अमेरिका में। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पे है, सोल्टी वाटर की? वो है कैस्पियन सी, जो कि इंडिया, सॉरी, एशिया के अंतर्गत है। यहाँ पे अरल सी की लोकेशन हमने देख ली, फिर नीचे आ जाता है पाकिस्तान, इंडिया वगैरह। खैर मैप में देखो इश्यू, अगर उसको हम बाद में देख लेंगे यहाँ पे। अब कुछ जो पॉइंट्स वगैरह रह गए हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। देखो ये बेसिकली ऑक्सफर्ड का जो मैप आता है उसका एडिशन है, तो इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट है वो फैक्ट हम देखते हैं। ये यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिवर वगैरह दिख रही होंगी यहाँ पे, छोटे छोटे, देखो एक तरीके से जो कॉन्टिनेंट वगैरह हैं, कॉन्टिनेंट क्या, सॉरी, यहाँ पे छोटे छोटे सी वगैरह हैं, तो उनको भी हम एक एक करके यहाँ पे भी कवर करने वाले हैं। तो ये आप एक बार मैप वगैरह में भी इनको देखा है हो सकते हो। देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं है, कारा सी, और कारा सी के पास में यहाँ ऊपर एक आईलैंड है जिसका नाम है नोवाया जेमिया। यहाँ पे दिख रहा होगा नोवाया जेमिया। इस आईलैंड, या हम बोल सकते हैं इस वाले एरिया के अंदर, जो कोयला या कोवल है वो भारी मात्रा में पाया जाता है, जो कि रशिया के अंतर्गत आता है बेसिकली। फिर यहाँ पे ऊपर आई है लापतेउसी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लापतेउसी कहाँ पे, इसकी लोकेशन यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पे ईस्ट साइबेरिया सी है, वो आ जाता है। और ये आपको पता है रसिया है, रसिया है वो एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। एशिया के अंतर्गत जो रसिया है उसका बड़ा हिस्सा, उसको मेनली साइबेरिया के नाम से जानते हैं, और ये इधर यूरोप के अंदर कुछ हिस्सा। अब एशिया और यूरोप को डिवाइड कौन करता है? एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है, देखो ये रही, एक तो यूराल माउंटेन रेंज है, फिर यूराल नदी आती है, फिर इसके बाद में कैस्पियन सी आता है, फिर यहाँ पे काकेशस माउंटेन आता है, फिर यहाँ पे हम बात करें काकेशस माउंटेन के बाद यहाँ पे आता है ब्लैक सी आ जाता है। और इस तरीके से एशिया और यूरोप को डिवाइड है वो कर दिया जाता है। ये खैर यहाँ पे दिया गया छोटा सा वोल्गा रिवर है बेसिकली, ये दिख रही होगा आपको। खैर ये यूरोप की रिवर, बट यूरोप में डिस्कस कर लेंगे। जो यूरोप की जो रिवर है ना, इस रिवर का नाम है वोल्गा रिवर, और ये यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है, जो कि गिरती कहाँ पे है? कैस्पियन सी में। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वोल्गा रिवर यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, जो कि कैस्पियन सी में जाके गिरती है। ये मेनली हम बात करें तो रसिया रूस से होके बहती है। इसके बाद में यहाँ पे यूराल माउंटेन हो गया, छोटी सी यहाँ पे यूराल नदी भी है, तो ये हमने लिख लिया। डोन रिवर वगैरह तो बाद में देखेंगे उसमें, मतलब यूरोप वाले कॉन्टिनेंट। ये देखो इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे, कौन कौन सी रिवर है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो ये रिवर आप देख रहे हो यहाँ पे सैन माउंटेन रेंज है, यहाँ से एक रिवर निकलती है येनिसी रिवर, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये वाली, जो कि यहाँ पे जाके गिरती है। ये गिरती है करासी में, तो इसकी लोकेशन पता होना चाहिए गिरती कहाँ पे है। एक दूसरी रिवर है रशिया की इंपॉर्टेंट, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ओब रिवर है, ये देखो रही, जो कि यहाँ पे एटनी माउंटेन से निकलती है। ये और कि एटनी माउंटेन है मंगोलिया में, यहाँ से निकलती है और फिर ये वेस्ट साइबेरिया से होती हुई यहाँ पे जाके गिरती है, ओब रिवर। एक छोटी सी रिवर और है यहाँ पे, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा, हाँ ये रहा, इरिस रिवर है, ये आप देख लेना, सॉरी इर्टिस रिवर है, इसका नाम इर्टिस रिवर है, जो कि मेनली अफ्रीका में, क्या, सॉरी, यहाँ पे हम बात करें रूस के अंतर्गत है। इसी के साथ ही यहाँ पे एक रिवर और है जिसका नाम है यहाँ पे टोना रिवर, ये रही आपको दिख रही होगी, ये रही यहाँ पे, जो गिरती कहाँ पे है? लापतेउसी में जाके गिरती है। फिर यहाँ पे और ये माउंटेन रेंज तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे हम बात करें और है, ये कहाँ गया हमारा, हाँ ये रहा, ये कोलियामा माउंटेन रेंज है एक छोटी सी यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आइलैंड है जिसका नाम है यहाँ पे सकलमिन आइलैंड, जो कि बेसिकली है तो रसिया का, बट यहाँ पे इंडिया है वो ऑयल वगैरह निकाल रहा है, हम लोग ऑयल रिजर्व हैं, तो उनको इंडिया है वो एक्सप्लोर है, वो कर रहा है बाहर, उनको निकाल रहा है। एक वो भी डेजर्ट है जो आपको पता है कि मंगोलिया और चाइना वाले हिस्से में, यहाँ पे पामीर प्लेटू है, फिर यहाँ से हिंदू कुछ रेंज निकलती है, तो वो तो हम देखो इंडिया वाले में बहुत बार वैसे भी डिस्कस है, वो कर चुके हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पे ईस्ट चाइना सी के बारे में डिस्कस कर लिया, ये यहाँ पे येलो सी है उसको भी कवर कर लिया, येलो रिवर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एक इंपॉर्टेंट है, देखो ये तो हो गया चाइना और ये हो गया रसिया, इसके बॉर्डर पे एक नदी दिख रही होगी आपको, ये रही, ये है अमूर नदी,
ये ध्यान में रखनी, अमूर नदी है वो रशिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है, तो ये फैक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। इसके साथ ही अगर और फैक्ट हम यहाँ पे देखें तो यहाँ यहाँ पे जो स्पार्कली आइलैंड है जिनके ऊपर डिस्प्यूट है, एक आइलैंड यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है साउथ चाइना सी में, जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो यूपीएससी के बार यहाँ पे इनके बारे में पूछ लेती है। अब देखो यहाँ पे, हाँ, दो तीन छोटे छोटे फैक्ट ये थे कि जो इलब्रूज माउंटेन है ना वो तो ईरान में, आपको ध्यान में रखना है इलब्रूज माउंटेन कहाँ पे, ईरान में, और जबकि इलब्रूस इलब्रूस जो माउंटेन है वो है यूरोप में, जो कि सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है यूरोप की, तो थोड़ा नाम में इनमें कन्फ्यूज हो सकता है दोनों में, तो आपको ध्यान में रखना है कि इलब्रूस और इलब्रूस दोनों है कहाँ पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार यूपीएससी पूछ लेती है। फिर यहाँ पे देखो ये होगी गल्फ ऑफ अदन और ये होगी यहाँ पे रेड सी, इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है, वो करता है स्ट्रेट बाबा अल मांडेब, मतलब बाबा अल मांडेब की जो जल संधि है वो अदन की खाड़ी और रेड सी दोनों को कनेक्ट है वो करती है। यहाँ पे आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये रही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस को कनेक्ट करती है या कनेक्ट करती है, ये होगी यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान और ये यहाँ पे होगा गल्फ, ये रही आपको दिख रही होगी द गल्फ, तो गल्फ ऑफ ओमान और जो खाड़ी है यहाँ पे पर्शियन खाड़ी है या हम बोल सकते हैं पर्शियन गल्फ है, इन दोनों को कनेक्ट करती है। यहाँ पे अरबियन सी है, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, तो इसे हमने देख लिया, और यहाँ पे इंडस रिवर का मुहाना है, तो वो तो इंडिया के बारे में हमने काफ़ी बार इन चीज़ों को कवर किया है। तो ये था बेसिकली एशिया का मैप, अगर कुछ और भी रह गया तो हम एक सेकेंड, हाँ इसमें देख लेते हैं एक बार, हाँ दो तीन लेक देख लेते हैं। एक तो देखो यहाँ पे अरी, ये लेक बैकाल है जो कि कहाँ पे है, ये मैंने रसिया में आती है कुछ हिस्सा इसका, हाँ सॉरी पूरी पूरी जो लेक है वो आती है यहाँ पे रसिया में, जो कि सबसे गहरी लेक है लेक बैकाल। यहाँ पे अमूर नदी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जो कि देखो यहाँ पे दिख रहा रसिया चाइना और ये दिख रहा रसिया, इन दोनों का देखो यहाँ पे बॉर्डर बना रही है, जो कि ईस्ट चाइना सी है इधर जाके यहाँ पे गिर रही है। और फिर यहाँ पे सी और ऑस्कोस, ये देख लेना सी ऑफ ऑस्कोस कहाँ पे है, रसिया वाले इस वाले हिस्से में। इस पेनिनसुला का नाम क्या है, देखो आपको एक पेनिनसुला दिख रहा होगा छोटा सा ही, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई ये कौन सा पेनिनसुला है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है देखो इस बार ये, तो इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तो यहाँ पे रिवर आपने देखी होगी कौन कौन सी, ओव रिवर हमने डिस्कस कर ली, यहाँ पे जो इटिस रिवर है वो भी हमने देख ली, इटिस रिवर ये रही, ओव रिवर यहाँ पे ये रही, इसके साथ ही एक यमसी रिवर है वो भी, उसको भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया, बाकी जो लेना वगैरह छोटी रिवर वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे नहीं है। फिर हमने इंडिया के जो नीचे थे हम बात करें, यहाँ पे लक्षद्वीप वगैरह है वो ये रही, ये मालदीव वगैरह है, सेचल्स आइलैंड उनकी लोकेशन हमने देख ली, यहाँ पे साउथ चाइना सी वगैरह, तो देखो जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी वो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। तो ये थी हमारी एशिया की मैपिंग, आई होप शायद इसमें हमने सारे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह थी सबको यहाँ पे कवर कर लिया है। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।